टाइप 7 सिविलाइजेशन, विष्णु, अल्लाह, जीसस, क्या एक टाइप 7 सिविलाइजेशन हमारे लिए किसी भगवान के समान है? क्या हम जिन्हें भगवान कहते हैं वो यही है? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? वेल, इमेजिन करो आप एक क्रिकेट मैच देख रहे हो जिसमें धोनी एक सिक्सर मारने की कोशिश करता है, पर अनफॉर्चुनेटली क्योंकि सिक्सर के बदले बॉल फील्डर के हाथ में जाने लगती है, सो आप टाइम को किसी वीडियो की तरह पॉज कर देते हो और फिर बॉल उस फील्डर के सामने से हटाकर कहीं पर और प्लेस करके टाइम को अगेन प्ले करते हो। Well, that is exactly what a type 7 civilization creature can do. क्योंकि सभी realities, सभी dimensions, सभी timelines, यहां तक कि सभी natural laws, एक type 7 जीव चुटकी बजाते ही बदल सकता है. Sounds invincible, right? Well, अब जरा इसी सीन को एक दूसरे perspective से देखते हैं. Now imagine कि आप खुद धोनी हो जिसने वो शॉट खेला है और टाइप 7 सिविलाइजेशन का जीव कोई और है जो ऑडियंस में खड़े रहकर टाइम को पॉज कर देता है. अब यू नो इस सीन की सबसे वियर्ड बात क्या होगी? वो जीव आपको बचाने के बाद हो सकता है आपके साथ एक सेल्फी खींचकर भी चला जाए और आपको पता भी नहीं चले. यानी कि टेक्निकली आफ्टर ऑल दिस तीन मेजर सवाल यहां पर खड़े होते हैं. पहला, क्या ऐसा कोई एडवांस एलियन सिविलाइजेशन एक्चुअली में एग्जिस्ट भी कर सकता है और साइंटिस्ट इस बात से कितने कन्विंस्ड है? दूसरा, अगर हाँ कर सकता है तो क्या गारंटी है कि वो हमारे बीच रूप बदल के नहीं रह रहे? इवन दैट इज अ पॉसिबिलिटी, राइट? एंड तीसरा सवाल, अगर लेट्स से वो एडवांस सिविलाइजेशन रूप बदल के हमारे बीच में नहीं रह रही है बट साइंटिफिकली इट डज एग्जिस्ट, तो फिर वो ऐसी क्या चीज है जो उन्हें हमसे छुपा कर रख रही है? Well, चाहे तीसरा सवाल कितना भी मिस्टिफाइंग क्यों ना लगे, हमें फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली इन तीनों सवालों के जवाबों को एक सीक्वेंस में ही समझना होगा ताकि इस सिविलाइजेशन स्केल के कॉन्सेप्ट का एक कंप्लीट सेंस बन सके. क्योंकि इस टाइप 7 की गुत्थी को कॉन्सेप्ट कहो या फ्रेमवर्क कहो, थियरी कहो या हाइपोथेसिस, आज से करीब 70 साल पहले एक लॉजिकल पर्सपेक्टिव के साथ खुद रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ने इसे दुनिया के सामने रखा था. 1950s की ये बात है जब साइंटिस्टों में एक एलियन सभ्यता को खोजने की चाह अपनी चरम सीमा पर थी और आए दिन अमेरिका में एरिया 51 से जुड़ी यूएफओ साइटिंग्स की खबरें उड़ रही थी. Since the late 1940s, Americans have been fascinated by a mysterious region in Nevada known as Area 51. What exactly goes on at Area 51? The Area 51. Area 51. Area 51. Are there any alien remains in Area 51? और तभी कुछ साइंटिस्टों ने ऐसे एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन से जुड़े थ्रेट्स को प्रेडिक्ट और असेस करने के लिए उन्हें अलग अलग एडवांसमेंट्स के स्केल पर क्लासिफाई करना शुरू किया. Like, उन दिनों दो ऐसे स्केल्स काफी पॉपुलर थे. पहला स्केल था इंफॉर्मेशन मास्टरी का स्केल, जिसमें कोई सिविलाइजेशन कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन को कंट्रोल कर सकती है इसके बेसिस पर उसे ए से जी ऐसे 26 लेवल्स में क्लासिफाई किया जाता था. और दूसरी तरफ दूसरा स्केल था माइक्रो डायमेंशनल मास्टरी स्केल, जिसमें कोई सिविलाइजेशन छोटे माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कितना एक्सट्रीम जाकर वहां के ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल कर सकता है इसके बेसिस पर उन्हें क्लासिफाई किया जाता था. जिस स्केल में सबसे लोएस्ट लेवल पर थे टाइप 1 माइनस, जो सिर्फ नेकेड आई से नजर आए ऐसे मैक्रोस्कोपिक चीजों को ही कंट्रोल कर सकते हैं, और सबसे हाईएस्ट लेवल पर थे टाइप ओमेगा माइनस सिविलाइजेशन, जो स्पेस टाइम के फैब्रिक तक को कंट्रोल कर सकते हैं. यानी कि क्लियरली ये दोनों ही स्केल्स इतने प्रिसाइसली किसी सिविलाइजेशन को क्लासिफाई कर सकते थे कि अगर कल को कोई एलियन सभ्यता से हमारा पाला पड़ता है तो हम एक्यूरेटली अंदाजा लगा सकते थे कि वो हमारे लिए किस लेवल का खतरा है, अगर है भी तो. लेकिन एक मिनट जरा यहां पे रुकना. इस चीज का अंदाजा लगाने के लिए हमें पहले अपना खुद का स्कोर भी तो पता होना चाहिए. एंड वेल, हियर इज वेयर थिंग्स स्टार्टेड गोइंग रॉन्ग. क्योंकि इन दोनों स्केल्स पर हम जैसे ही इंसानों को प्लॉट करते हैं, सडनली इंफॉर्मेशन की स्केल पर हम इंसान लेवल पी पर आते हैं, जो कि एक कंसिडरेबली एडवांस लेवल है. बट ऑन दी अदर हैंड, माइक्रो डायमेंशनल स्केल पर हम आज 70 साल की एडवांसमेंट के बाद भी सिर्फ टाइप 5 माइनस के लेवल पर ही लैंड होते हैं, विच इज वे टू फार फ्रॉम टाइप ओमेगा. सो ओवरऑल कहने का मतलब बस इतना है कि इन दोनों स्केल्स का अल्ट्रा स्पेसिफिक पैरामीटर्स पर एलियंस को क्लासिफाई करना ही इन स्केल्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई और जरूरत पड़ गई एक यूनिवर्सल स्केल की जो कि सारे फैक्टर्स को कंसिडर कर सके और एक ही स्केल में ये बता सके कि वो सिविलाइजेशन कौन से लेवल पर फॉल होती है, ताकि ऐसे पैराडॉक्सेस ना क्रिएट हो कि एक स्केल पर एडवांस सिविलाइजेशन दिख रहा है और दूसरे स्केल पर नॉट सो एडवांस सिविलाइजेशन. और यहीं पर दस्तक दी टाइप 7 सिविलाइजेशन के कॉन्सेप्ट ने कि ऐसा भी एक सिविलाइजेशन हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है. तो हम जानेंगे कैसे.
सो एक्चुअली मैं उन दिनों साइंटिस्ट इसी बात पर दिमाग खपा रहे थे कि वो कौन सा यूनिवर्सल स्केल हो सकता है जो प्रिसाइज भी है बट एट द सेम टाइम लॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज ना क्रिएट करे. और एग्जैक्टली इसी थॉट पर बिल्ड करते हुए साल 1964 में एस्ट्रोफिजिसिस्ट निकोलाय कार्डाशेव ने पिछले दो स्केल्स में एक कॉमन फैक्टर को आइडेंटिफाई किया, एनर्जी कंजम्पशन. कार्डाशेव ने सोचा कि चाहे इंफॉर्मेशन एक्सेस करना हो या अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक चीजों को कंट्रोल करना हो, आप जितना ज्यादा करोगे, जितना ज्यादा तरक्की करोगे, उतनी ही ज्यादा एनर्जी आपको यूज करनी पड़ेगी. सो एनर्जी बिकेम दैट यूनिफाइंग स्केल. और इसी सोच के साथ कार्डाशेव ने एनर्जी कंजम्पशन के बेसिस पर एक कंप्लीटली नए स्केल को इजाद कर दिया कॉल्ड द कार्डाशेव स्केल. इस नए स्केल में इनिशियली उन्होंने टाइप 1 से लेकर टाइप 3 सिविलाइजेशन ऐसे तीन लेवल्स में सारे सिविलाइजेशन को क्लासिफाई किया. बट लेटर ये आइडिया बाकी के साइंटिस्टों को इतना यूजफुल लगा कि इवेंचुअली उन्होंने इसमें टाइप 5 से लेकर टाइप 7 ऐसे और चार लेवल्स को ऐड कर दिया. और फाइनली एक ऐसी स्केल इजाद हुई जो एक हाईली एडवांस जीव के एग्जिस्टेंस को भी लॉजिकली जस्टिफाई कर सकती थी. अब इस पूरे नए स्केल में कोई प्रॉब्लम नहीं था एक्सेप्ट वन, वो ये कि इस स्केल ने लिटरली हमें हमारी औकात दिखा दी. एक आईने की तरह हमें साफ दिखा दिया कि हमें काफी टेक्नोलॉजिकली पिछड़े हुए जीव है. और एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि टाइप 7 सिविलाइजेशन तो छोड़ो, क्या हम भविष्य में कभी इतने भी एडवांस हो पाएंगे कि एक टाइप 3 सिविलाइजेशन जैसे कंपैरेटिवली सिंपल सिविलाइजेशन को भी डिटेक्ट कर पाएं? क्या हम उतना एडवांस भी कर पाएंगे और क्या हम तब तक जिंदा भी रहेंगे? देखो एस्ट्रोफिजिसिस्ट कार्ल सेगन ने हम कितनी एनर्जी यूज करते हैं इसे जब कैलकुलेट किया था, तब उन्हें पता चला कि करंटली हम इंसान टाइप 1 सिविलाइजेशन तक भी नहीं पहुंचे, हम 0.73 के लेवल पर हैं. और सिर्फ टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने के लिए हमें और 200 से 300 सालों का समय लगने वाला है. और ऐसा इसीलिए क्योंकि टाइप 1 सिविलाइजेशन वो लेवल है जहां पर हम अपने मॉडर्न टेक्नोलॉजी के मदद से अपने होम प्लैनेट की ऑलमोस्ट 100% एनर्जी को निचोड़ने के काबिल बन जाएंगे. और फिर उसके बाद हमें अपने इसी हाईटेक हाईली एडवांस लाइफस्टाइल को फर्दर सपोर्ट करने के लिए और ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ने लगेगी. तो फिर हम सन जैसे दूसरे एनर्जी सोर्सेस की ओर बढ़ने लगेंगे और उनसे एनर्जी निचोड़ने लगेंगे, विच विल ब्रिंग अस क्लोजर टू अ टाइप 2 सिविलाइजेशन. यहां पर हम बेसिकली अपने होस्ट स्टार जो कि हमारे केस में सूरज है, सन, उसे डायसन स्फीयर जैसे इंजीनियरिंग मार्वल से कवर कर लेंगे जो अपने सोलर पैनल से भरे रिंग से हमारे सूरज की सारी एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के रूप में पृथ्वी तक पहुंचाएगा. लिटरली इसका मतलब सूरज की सारी एनर्जी निचोड़ना होगा और इस एनर्जी से इवेंचुअली ऐसी टेक्नोलॉजी बना पाएंगे जो हमें दूसरे सोलर सिस्टम्स तक पहुंचाने में मदद करेगा. और ऐसे करके हम दूसरे सोलर सिस्टम्स के सन्स को भी निचोड़ने लगेंगे थ्रू डायसन स्फीयर्स और अपने टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट को इस कदर कैटलाइज करेंगे कि धीरे धीरे हम पूरी गैलेक्सी पर ही कब्जा करने लगेंगे और मिल्की वे का हर स्टार डायसन स्फीयर से कवर्ड दिखने लगेगा. और ऐसा करते ही हम बन जाएंगे अ टाइप 3 सिविलाइजेशन. अब थोड़ा सा सपना देखना बंद करते हैं और आ जाते हैं पृथ्वी के जमीन पर. रियलिस्टिकली स्पीकिंग, फिलहाल ना तो हम सन की पूरी एनर्जी यूज करने के काबिल हुए हैं और ना ही पृथ्वी पर गिर रहे सूरज के हर किरणों की, एंड नॉट इवन पृथ्वी की. सो जब हम अब तक अपने पृथ्वी की ही टोटल एनर्जी यूज करने में इनकेपेबल है, तो हम किसी एडवांस एलियन सिविलाइजेशन को क्या ही डिटेक्ट करेंगे? पॉसिबल ही नहीं है. तो फिर आखिर हमारे साइंटिस्टों ने टाइप 7 सिविलाइजेशन के एग्जिस्टेंस का आइडिया पैदा ही क्यों किया? वेल, जब हमने इस बारे में थोड़ी सी रिसर्च की तो वी फाउंड आउट ये आइडिया ओरिजिनली शायद कार्डाशेव को ही आ गया होता अगर अपने जमाने में उन्होंने भी ब्रह्मांड की ऐसी तस्वीरें देखी होती जो एडविन हबल जैसे मॉडर्न एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने देखी थी. दरअसल कार्डाशेव ने सिर्फ 3 ही लेवल्स के सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट होने का दावा इसीलिए किया क्योंकि उस दौरान हमें मिल्की वे के बाहर के यूनिवर्स के बारे में जानकारी ही नहीं थी. लेकिन जैसे ही फेमस एस्ट्रोफिजिसिस्ट एडविन हबल ने मॉडर्न टेलीस्कोप्स के जरिए नए गैलेक्सीज की खोज की, साइंटिस्ट फिर इस स्केल में और एक्स्ट्रा सिविलाइजेशनल लेवल्स को ऐड करने की होड़ में लग गए जो गैलेक्सीज से भी बड़े चीजों से एनर्जी निचोड़ने के काबिल थे. ऐसे में उन्होंने 4 और लेवल्स के सिविलाइजेशंस को स्केल में ऐड किया. अब ये 4 सिविलाइजेशंस कौन थे और उनकी ताकतें क्या थी? तो देखो, जैसे हमने जाना था, टाइप 3 सिविलाइजेशन में तब्दील होते ही इंसान गैलेक्सी के सभी स्टार्स पर कब्जा कर लेंगे, पर इस पॉइंट के बाद धीरे धीरे हमारा एनर्जी कंजम्पशन और बढ़ जाएगा और गैलेक्सी के सभी स्टार्स भी इसे पूरा नहीं कर पाएंगे. और इसीलिए अब हम स्टार्स से भी ज्यादा एनर्जेटिक इवेंट्स जैसे सुपरनोवा
गैमा रे बर्स्ट एक्सप्लोजन्स, इनसे एनर्जी सोखने लगेंगे जो कि पूरे ब्रह्मांड के सबसे ज्यादा एनर्जी रेडिएटिंग इवेंट्स होते हैं। इस लेवल में हम अपनी एनर्जी के नीड्स के हिसाब से स्टार्स तक को क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर पाएंगे और पूरे यूनिवर्स को अपने कंट्रोल में रख पाएंगे। इस मैसिव एनर्जी पर राज करते हुए और उसे यूटिलाइज करते हुए हम अपनी टेक्नोलॉजी को इस लेवल पर बढ़ा देंगे कि हम टाइप 4 सिविलाइजेशन बन जाएंगे। अब ऐसे में मे भी आपको लगे कि यूनिवर्स में अब और बचा ही क्या है, जितनी भी एनर्जी थी टाइप 4 सिविलाइजेशन ने सब कुछ सोख दी। वी हैव रीच्ड आवर फाइनल गोल, राइट? वेल, नॉट रियली। उन दिनों साइंटिफिक कम्युनिटी में स्ट्रिंग थियरी जैसे कई मॉडर्न थियरीज बनना शुरू हो गए थे जो मल्टीवर्स और मल्टीपल डिमेंशंस के एग्जिस्टेंस की बात कर रहे थे। सो साइंटिस्टों ने सोचा, व्हाट इफ कुछ ऐसे सिविलाइजेशंस हो जो हमारे खुद के यूनिवर्सल रेल्म के बाहर रहते हो एंड प्रोबेबली इसीलिए हम उन्हें देख नहीं पा रहे पर उनकी हम पर नजर है। और इसी थॉट के साथ टाइप 5 लेवल सिविलाइजेशन का जन्म हुआ। इस लेवल पर हम लिटरली पूरे के पूरे गैलेक्सीज को निचोड़ने लगेंगे और फाइनली ऐसी टेक्नोलॉजी बना लेंगे जो हमें पैरेलल यूनिवर्सेस में ट्रैवल करा सके, यू नो, लाइक डीसी के फ्लैश की तरह जो इंटर डायमेंशनल पोर्टल्स के जरिए पैरेलल यूनिवर्सेस में हॉप कर पाता है। दिस इटसेल्फ इज माइंड ब्लोइंग, राइट? जस्ट इमेजिन एक ऐसी एडवांस सभ्यता जो अपने खुद के यूनिवर्स की सारी एनर्जी निचोड़ चुकी है और वो पोर्टल्स के जरिए दूसरे यूनिवर्सेस में ट्रैवल कर रहे हैं एट देयर कन्वीनियंस और उन हिडन डिमेंशंस में से वो सारी एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ऐसा कर पाने के ताकत से ही एक सिविलाइजेशन ऑफिशियली लेबल हो जाएगी टाइप 6 सिविलाइजेशन। यानी कि इस लेवल पर आने के बाद दैट सिविलाइजेशन वुड हैव एंटायर कंट्रोल ऑफ ऑल द कॉस्मोस थ्रू आउट। जस्ट सिर्फ एक चीज का कंट्रोल उनके पास अब तक नहीं आया होगा एंड दैट इज फिजिक्स के लॉस के विपरीत जाकर मैटर को क्रिएट और डिस्ट्रॉय करने की ताकत। तो टाइप 6 सिविलाइजेशन इंस्टेड एक टाइप 7 सिविलाइजेशन कहलाने लगेगी क्योंकि साइंटिस्टों के अनुसार टाइप 7 सिविलाइजेशन एक सिविलाइजेशनल पावर नहीं बल्कि एक इंडिविजुअल पावर होगा। वो एक इंडिविजुअल माइंड वाला बींग होगा जिसके अंदर पूरे ओमनीवर्स के सारे थॉट्स, सारा इंफॉर्मेशन और सारे टाइमलाइंस ट्रांसेंड हो चुके होंगे। यानी कि पूरे ओमनीवर्स में जो भी कॉन्शियसनेस होगा वो सब कुछ एक सुपर बीइंग के माइंड में ट्रांसेंड हो जाएगा। वो बीइंग ओमनीपोटेंट यानी ऑल पावरफुल, ओमनीप्रेजेंट यानी हर जगह मौजूद और ओमनीशियंट यानी उसको हर चीज का नॉलेज है, वो एक ऐसे सुपर बीइंग में तब्दील हो जाएगा जिन्हें आज शायद हम भगवान कहते हैं। बट फर्क सिर्फ इतना है कि शायद वो असलियत में भगवान ना हो क्योंकि भगवान को हम सिर्फ अच्छाई से एसोसिएट करते हैं। अब फ्रेंड्स यहां पर आता है एक बहुत ही गहरा सवाल, क्या सबूत है कि एक टाइप 7 सिविलाइजेशन का बींग आज के तारीख में एग्जिस्ट नहीं करता है और हम उसके पार्ट ऑलरेडी नहीं है? वेल, क्या सबूत है कि हम इंसान, हमारी पृथ्वी या हमारा पूरा यूनिवर्स उस विशालकाय जीव का महज एक अंश नहीं है? एंड दिस ब्रिंग्स मी टू द अनअवॉइडेबल क्वेश्चन एंड द टाइटल ऑफ द वीडियो कि क्या हम वाकई में किसी इतने विशाल जीव के अंदर रहते हुए उसके अस्तित्व को डिटेक्ट कर सकते हैं? वेल, मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट के एंड इवन अकॉर्डिंग टू मी इसके चांसेस ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इस चीज को हम एक और एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव से समझ सकते हैं, बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव से। लाइक आज से 500 मिलियन साल पहले जब ये स्पंज पृथ्वी पर आया था तो वो लगभग सभी लाइफ प्रोसेसेस लाइक रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन इन पोर्स के जरिए ही करता था। लेकिन जैसे ही उसके सेल्स ने ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करना शुरू किया, उन सेल्स ने अपने आप को इवॉल्व करके ग्रुप्स में बांट लिया और धीरे धीरे वो सेल्स ऐसे ऑर्गन्स में तब्दील हुए जिन्हें बॉडी में अलग अलग रोल्स मिलने लग गए, लाइक हार्ट सेल्स सर्कुलेशन करने लगे या स्पर्म सेल्स और एग्स रिप्रोडक्शन करने लगे। इससे हुआ ये कि ओवरऑल स्पंज की बॉडी ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स में इवॉल्व हो सकी लाइक ह्यूमंस, जिसकी वजह से हमें कई एक्स्ट्रा पावर्स जिसकी मूवमेंट करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स और सेंसरी ऑर्गन्स मिलने लग गए। यानी कि लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जितनी ज्यादा एनर्जी बॉडी के सेल्स कंज्यूम करते रहेंगे उतना ज्यादा पावर उस बॉडी को मिलता रहेगा और एग्जैक्टली यही टाइप 7 सिविलाइजेशन के साथ भी हो रहा हो सकता है। जितनी ज्यादा एनर्जी हम और बाकी के सिविलाइजेशंस कंज्यूम करके एडवांस लेवल की ओर बढ़ रहे हैं उतना ही टाइप 7 सिविलाइजेशन एक्चुअली में पावरफुल बनते जा रहा है। यानी कि एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारा डेवलपमेंट टाइप 7 को ताकत दे रहा है और इसी ताकत की मदद से वो अपने आप को इनविजिबल
और इनविंसिबल रख पा रहे हैं। एंड नाउ आई नो दिस इज अ माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट, बट दिस इज एंटायरली पॉसिबल। इनफैक्ट कई साइंटिस्ट का तो ये तक कहना है कि हम इसी एडवांस सिविलाइजेशन के ब्रेन में रह रहे हो सकते हैं, क्योंकि एंड इट इज वेरी हार्ड टू बिलीव ब्रेन सेल्स और यूनिवर्स में साइंटिस्टों को बहुत सारी सिमिलैरिटीज मिली है। यानी कि हमारा पूरा यूनिवर्स एक ब्रेन हो सकता है और उसमें मौजूद सभी गैलेक्सीज बिल्कुल हमारे ब्रेन में मौजूद न्यूरॉन्स के एक जाल की तरह एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब कई साइंटिस्ट एक्चुअली में इस कॉन्सेप्ट पर भी डिटेल में रिसर्च कर रहे हैं, और हाल ही में मैंने एक वीडियो भी बनाया जिसे मैंने पूरे काफी डेप्थ में कवर किया है, जो आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हो आई बटन पे, या फिर यहां पर कहीं पर वीडियो आ जाएगा, उसे चेकआउट जरूर करना। बहुत ही मिस्टिफाइंग कॉन्सेप्ट है एंड इट्स माइंड ब्लोइंग। और यहां तक अगर आप रुके हो तो इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आया है, तो एक लाइक जरूर ठोकना और शेयर करो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में विथ अनदर फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग। जय हिंद।